आज की रिपोर्ट में बताएंगे शाहरुख खान को क्यों लग सकता है झटका। जी हाँ, शाहरुख खान को आखिर झटका क्यों लग सकता है, क्या उनके लिए बुरी खबर आने वाली है। दरअसल शाहरुख खान की फिल्म डंकी जल्द ही आपको बॉक्स ऑफिस पर देखने के लिए मिलेगी। दिसंबर में ये फिल्म आ रही है। खास बात ये है कि शाहरुख खान ही नहीं बल्कि अलग अलग इंडस्ट्री से बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के दावेदार जो है, जो एक्टर्स हैं वो आने वाले हैं। सलार की बात कर ले या फिर हम दूसरे और स्टार्स की बात कर ले, एनिमल भी दस्तक देने वाली है। अब ऐसे में आखिर शाहरुख खान के लिए क्या ये बुरी खबर साबित हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। पिछले दिनों जब आज से 5 साल बाद देखा गया था कि शाहरुख के साथ ठीक ऐसा ही हुआ था, जब शाहरुख के आगे 4 बड़े स्टार्स की फिल्म थी। क्या हुआ? शाहरुख खान की मूवी जीरो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई और इसी तरीके से देखा जा रहा है कि डंकी भी अब फ्लॉप साबित होने वाली है। इसके पीछे का क्या कारण है, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। फिल्मी दुनिया के लिए साल 2023 काफी शानदार रहा। इस साल की शुरुआत शाहरुख खान की पठान के साथ हुई। इसके बाद ही बॉक्स ऑफिस पर इसने जबरदस्त कमाई की। फिल्म ने 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर डाला था। इसके बाद ही गदर 2, जेलर, जवान, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने भी बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी और जबरदस्त कमाई की। बॉलीवुड में शाहरुख खान सनी देओल का जलवा रहा तो साउथ में जेलर बनकर रजनीकांत छाए रही। वहीं दूसरी ओर क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहाइमर भी $1 बिलियन कमाई की दहलीज पार कर गई। अब इस साल के आखिर में रिलीज होने वाली फिल्मों ने भी खूब चर्चाएं बटोर रखी हैं, खासकर प्रभास स्टारर फिल्म सलार, जिसकी रिलीज डेट के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान किस तरीके से उठने वाला है इसके अंदाजे लगाए जाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल प्रभास स्टारर सलार 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, तो वहीं दूसरे ओर शाहरुख खान की डंकी भी है जिसकी डेट यही है। अब यहां पर जहां शाहरुख खान को लेकर की बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही कि शाहरुख खान को बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, शाहरुख खान की ये फिल्म पिट सकती है, यानी कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि पिछली रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो पठान और जवान शाहरुख की ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, लेकिन वही डंकी को देखा जाए तो डंकी के आगे कई और स्टार्स हैं जिनकी फिल्में चल सकती हैं। ऐसे में शाहरुख खान को बड़ा झटका लग सकता है। बता दें, ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर उठने वाले बवंडर की चर्चा हो रही है, जहां दिसंबर में 1-2 नहीं बल्कि 5-5 सुपरस्टार यहां शाहरुख खान को टक्कर देने वाले हैं। 5 साल पहले भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसा ही हुआ था जिसमें 4 सुपरस्टार तो थे जो साल 2018 में भी शाहरुख खान के सामने थे। तो चलिए जानते हैं कि दिसंबर के महीने में कौन से सुपरस्टार होंगे शाहरुख खान के सामने और क्यों शाहरुख खान को इस वजह से बड़ा झटका लगा है। शाहरुख खान की फिल्म साल 2018 में आई थी जिसमें लव ट्रायंगल को दिखाया गया था। फिल्म जीरो थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर फुस हो गई, जीरो साबित हुई ये फिल्म। 4 सुपरस्टार शाहरुख खान के आगे थे और इस फिल्म को कहा जाता है कि शाहरुख के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म रही। वहीं अब साल 2023 में भी कुछ इसी तरीके के अनुमान लग रहे हैं, जहां डंकी फ्लॉप हो सकती है और डंकी के आगे कई ऐसे अभिनेता हैं जो सामने खड़े हैं। बता दें कि 2023 में शाहरुख खान की एक और लाइट फिल्म डंकी रिलीज होने वाली है। राजकुमार हिरानी के साथ आ रही शाहरुख खान की डंकी कॉमेडी सोशल ड्रामा है, जिसे लेकर के किंग खान के फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। अब हॉलीवुड सुपर हीरो की बात करें तो फिल्म दिसंबर 2018 में डीसी यूनिवर्स में नया हीरो एक्वामैन सिनेमा फैंस के सामने पेश किया था। अब इस बार दिसंबर में डंकी के सामने 2 दिन पहले यानी कि 20 दिसंबर को जेसर मेमोआ का एक्वामैन 2 थिएटर में दस्तक देने वाली है। धनुष का धमाका दिसंबर 2018 में साउथ सुपरस्टार धनुष की मारी 2 रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने धनुष
को एक स्टार बना दिया। गैंगस्टर के रूप में धनुष नजर आए थे। अब इस साल 15 दिसंबर को ही धनुष की पहली पैन इंडिया फिल्म कैप्टन मिलर रिलीज होने वाली है, जिसका फैंस को बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार है। वहीं अगर मोहनलाल की बात करें तो मोहनलाल की भी होगी एंट्री इंडियन सिनेमा में। जी हाँ, लेजेंड कहे जाने वाले मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की साल 2018 में ऑडियन रिलीज हुई थी। मलयालम सिनेमा की सबसे कमाऊ फिल्मों में से एक थी। अब चर्चा ये की जा रही है कि मोहनलाल की दिसंबर 2023 में भी एक फिल्म रिलीज होने वाली है। हालांकि इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया, लेकिन माना यह जा रहा है कि मोहनलाल की दृश्यम फेम जीतू जोफर के साथ वाली फिल्म दिसंबर में दर्शकों को सरप्राइज देने के लिए आने वाली है। अब बात करते हैं सालार 2018 में जीरो से निराश फैंस ने अचानक कन्नड़ फिल्म KFG का रुख जहां किया था, और वहीं से शुरू हुई थी एक और साउथ इंडियन फिल्मों की बहार। तो अब इसी फिल्म को लेकर के खबर ये सामने आ रही है कि 22 दिसंबर को KFG के बाद जो डायरेक्टर हैं वो सालार को लेकर के आने वाले हैं। बता दें कि पिछली फिल्म ने 185 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं अब KFG के बाद सालार से डायरेक्टर को बहुत उम्मीदें हैं। वहीं अब बात करते हैं, एनिमल भी देगी डंकी को टक्कर। जी हाँ, रणबीर कपूर की एनिमल साल 2023 में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसे बॉलीवुड की सबसे हिंसक फिल्म इसे बताई जा रही है, देखने के बाद तो यही साफ नजर आ रहा है कि इस फिल्म में काफ़ी एक्शन होने वाला है। तो इन सभी फिल्मों की लिस्ट को देखने के बाद ये साफ जाहिर होता है कि शाहरुख खान को अब थोड़े झटके की उम्मीद है, यानी कि शाहरुख खान के लिए दिसंबर अच्छा साबित नहीं होने वाला है। तो जब जब शाहरुख खान ने कोई कॉमेडी ड्रामा फिल्म की है, अक्सर देखा गया है कि वो फिल्में फ्लॉप ही हुई हैं। जीरो शाहरुख के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म मानी जाती है। अब इसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि जो डंकी है उसका भी यही हाल होने वाला है। फिलहाल ये तमाम जो चीजें हैं कयासों में है, देखना ये है कि दिसंबर के महीने में क्या सच में शाहरुख खान की डंकी पूरी तरीके से धड़ाम गिरेगी या फिर इन तमाम पांच बड़े स्टार्स को टक्कर देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ।